फ्रेंड नमस्ते, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त किरण और आज फिर से मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन DIY लेकर के आई हूं, जिससे आप अपने बालों को जो है बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, काला, घना, मुलायम बना सकते हैं और इससे आपके बालों की टूटने झड़ने की समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी और आपके बाल जड़ से मजबूत होंगे। दोस्तों, आपके बालों की लंबाई भी बहुत ही अच्छी बढ़ेगी। बहुत ही बेहतरीन DIY है और घर के सामान से बना हुआ है, तो आपका बाल जो है बेहद खूबसूरत और अच्छा हो जाएगा। अच्छा लगे आज का ये वीडियो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये छोटा सा DIY, लेट गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, आज का जो बेहतरीन और मैजिकल DIY बना रही हो बालों के लिए, इसके लिए हमने प्याज लिया है। प्याज हमारे किचन में सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज होती है, हमारे खाने को स्वादिष्ट बनाने के साथ साथ ही दोस्तों इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। हमारे बालों के लिए तो बहुत ही ज्यादा फायदा होता है, बालों को खूबसूरत, काला, घना, मुलायम करता है, बालों की जड़ों से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं दूर करता है और उसके साथ साथ ही हमारे फेस के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हमारे वेट लॉस में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। इसके बहुत सारे वीडियोस मैंने मेरे चैनल पे डाले हुए हैं, आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने प्याज लिया है। प्याज में पाया जाता है सल्फर, जो इसकी इसकी स्मेल को बहुत ही ज्यादा तेज करता है। इसकी स्मेल की वजह से ही हमारे बालों में के जड़ों में जैसे डैंड्रफ वगैरह की समस्याएं होती है, जुए की समस्याएं होती है, वो सभी दूर हो जाती है दोस्तों। इसके साथ ही इसके अंदर विटामिन सी, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, बहुत सारे आयरन पाए जाते हैं, जो हमारे बालों को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग करता है, मजबूत करता है जड़ से और सिल्की शाइन करता है। साथ के साथ ही हमारे बालों की ग्रोथ में ये प्रमोट करता है, हेयर ग्रोथ बहुत ही अच्छे से प्रमोट करता है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने प्याज लिया है। प्याज यहाँ पे आपको जो है एक प्याज लेना है, लगभग बहुत ही ज्यादा प्याज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार के लिए आपको बनाना है। आप चाहें तो इसको 1 सप्ताह या 15 दिन के लिए भी बना करके रख सकते हैं फ्रिज में स्टोर करके, और अगर नहीं तो आप डेली डेली आप जब भी यूज करना चाहते हैं ये वाला DIY बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक प्याज लिया है। प्याज के छिलकों को काफी अच्छे से आपको हटा देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे प्याज के छिलकों का फेंके नहीं, प्याज के छिलके का बहुत ही बेहतरीन मैंने यूज बताया है मेरे चैनल पे, आप जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे प्याज को आपको छोटे छोटे पीसेस में कट कर देने हैं। प्याज में बहुत ही ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है दोस्तों, जो हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। कच्चा प्याज खाने से आपके बॉडी में बहुत सारे फायदे होते हैं, हड्डियों के दर्द में, जोड़ों के दर्द में, घुटनों के दर्द में बहुत ही ज्यादा हेल्प होता है। साथ के साथ ही अगर BP के पेशेंट हैं उसके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है और बालों के लिए तो काफी अच्छा होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने क्या किया है, प्याज को क्या किया है, ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के लिए हमने एक प्याज को काट करके मिक्सी जार में डाल दिया। थोड़ा सा पानी इसमें जरूर डाल दें ताकि बहुत ही अच्छे से फाइन, ये बहुत ही बढ़िया पेस्ट फॉर्म में जो है पीसे, और इसी काम को आपको यहाँ पे बढ़िया सा यूज करना है। तो हमने बहुत ही अच्छे से ग्राइंडर जार में डाल के इसको पीस लिया है और एक चाय छन्नी की मदद से इसको काफी अच्छे से छान लेंगे, ताकि जिसके इसके मोटे मोटे दाने जो है रस में बिल्कुल भी ना जाए और आपके बालों में बिल्कुल वो चिपके नहीं। तो बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही बेहतरीन DIY है, आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। प्याज का जो रस होता है हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, बालों की ग्रोथ को बहुत ही ज्यादा प्रमोट करता है, बालों की जो रुकी हुई ग्रोथ होती है उसको काफी अच्छे से प्रमोट करता है। जड़ों में अगर डैंड्रफ की समस्याएं हैं, रूसी की समस्याएं हैं और साथ के साथ ही अगर कभी कभार इचिंग होता है बालों में, ये सभी समस्याएं की वजह से ही हमारे बाल की अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती है दोस्तों। इस तरीके से आपको प्याज का रस निकाल लेना है और उसके बाद यहाँ पे आपको लेना है नारियल का तेल। मैं ले रही हूँ यहाँ पे वर्जिन कोकोनट ऑयल, जो कि डिसैनो का कोल्ड प्रेस्ड है, बहुत ही बढ़िया तेल है दोस्तों, बालों के लिए काफी अच्छा होता है, बालों की ग्रोथ में काफी अच्छा हेल्प करता है। तो ये हमने लगभग 1 चम्मच डाल दिया है और उसके बाद यहाँ पे इसको काफी अच्छे से हम अपने बालों पे लगाएंगे। अब लगाने के लिए आपको मैं बताती हूँ, आप चाहें तो यहाँ पे कॉटन पैड की मदद से अपने पूरे बालों पे लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपने फिंगर टिप की मदद से जैसे नॉर्मल आप तेल लगाते हैं वैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कॉटन पैड की मदद से अपने पूरे बालों की जड़ों पे लगाऊंगी, क्योंकि सभी समस्याएं जो है जड़ों से शुरू होती है बालों की, इसलिए जड़ों पे तेल का जरूर से जरूर इस्तेमाल करें प्याज के रस का। प्याज
प्याज के रस आपके बालों के जड़ में जाकर के बालों की जड़ों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है डैंड्रफ को हटाएगा, रूसी को हटाएगा, इचिंग वगैरह प्रॉब्लम होती है वो हटाएगा, बालों की जो जड़ होती है उसको ग्रोथ को प्रमोट करेगा और स्कैल्प को काफी अच्छे से मजबूत करेगा दोस्तों। तो ये सभी समस्याओं की वजह से आपके बालों की जो टूटने झड़ने की समस्या है वो खत्म हो जाएगी, बाल बहुत ज्यादा सिल्की सॉफ्ट हो जाएंगे, बालों की ग्रोथ बहुत ही बढ़िया होगी, लंबे होंगे काफी अच्छे। आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा। तो प्याज के रस में बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण होते हैं जो हमारे बालों के लिए काफी अच्छा होता है। तो दोस्तों आप ट्राई करिए जरूर बाल प्याज का रस इस तरीके से बालों पे लगाने के लिए। काफी मेहनत नहीं है इसमें, प्याज का रस निकालना है आपको, इसमें सिर्फ तेल डालना है और इसको आपके बालों पे इसको अच्छे से इस तरीके से लगाना है और लगा के मसाज करना दोस्तों बिल्कुल भी ना भूले। मसाज करने से आपकी जड़ों की जो ग्रोथ है वो प्रमोट होगी, स्कैल्प तक तेल जाएगा और आपके जो बाल है बहुत मजबूत होंगे। तो इससे 10-15 मिनट इस तरह से लगाने के बाद मसाज दे और उसके बाद पूरे बालों पे इसको जरूर लगाएं। तो कैसा लगा आपको आज का ये छोटा सा वीडियो दोस्तों, बताएं जरूर। इसको आप अपने बालों पे 1 घंटा या 2 घंटा रख सकते हैं, 15-20 मिनट के बाद अच्छे से शैम्पू कर ले। तो कैसा लगा आपको छोटा सा वीडियो, अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने के लिए।